हेलो एवरीबॉडी, सारा पास और आप सब देख रहे हैं गो हैंस डॉट इन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक ला रहे हैं, वो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस। क्या है मामला, डेट आ चुकी है, इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके हैं और अर्बन लोकल बॉडीज हम जिसे कहते हैं या आम लैंग्वेज में कॉर्पोरेशन इलेक्शन जिसे कहते हैं उसका मामला आ चुका है, डेट आ चुकी है। मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि डेट्स आ चुके हैं कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के। सबसे पहले 16 अगस्त यानी आज से जस्ट 5 दिन बाद आपको नॉमिनेशन का जो है तैयारी करना है। उसके बाद 23 अगस्त को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, यानी 23 अगस्त को आप सारे कैंडिडेट्स आपके नेम कर देना है। 24 अगस्त को स्क्रूटनी होगी और 26 अगस्त को विड्रॉल कि भाई मैं इलेक्शन करने वाला नहीं हूं, उस तरह का मामला होगा। और 3 सितंबर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट, वो है पोलिंग, यानी कि कलबुर्गी महानगर पालिका गुलबर्गा कॉर्पोरेशन इलेक्शंस पब्लिक वोट करेगी 3 सितंबर को इस बॉडी को बनाने के लिए और 6 सितंबर को आ रहा है रिजल्ट। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केवीएन यूनिवर्सिटी, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, सूरत खजाना, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर एंड बाय स्मार्ट सुपर बाजार। फिलहाल आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन अब ये गर्मा गर्मी बढ़ेगी क्योंकि मौसम तो ऐसे गर्म चल रहा है और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की गर्मी की वजह से काफी सारे नए मामले हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछली बार के हमारे काफी सारे कवरेजेस के अंदर आप देखे हैं कि कई सारे पार्टियों ने अपना अनाउंसमेंट किया है, कई सारे पार्टीज अब फील्ड के अंदर आ चुके हैं और इस वक्त जो इलेक्शन के लिए सिर्फ हार्डली 20 से 25 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें कौन से पार्टी को एज मिल सकता है, क्या है आप देख सकते हैं। वो भी लीड में है, कांग्रेस एक तरफ से कल चल रही है, एक तरफ बीजेपी का मामला चल रहा है, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर आ चुकी है, एसडीपीआई यहाँ पर है, डब्ल्यूपीआई, मतलब बहुत सारे पार्टीज हैं, लेकिन जनता किसे वोट करेगी, क्या पार्टी के फेस को देखेगी या फिर कैंडिडेट को देखेगी या फिर नेशनल पार्टी को देखेंगे, सारे सवालों के जवाब हमारे साथ बने रहे गोहाल.in साथ, हम आपको सारी खबर देते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन याद रखिए इस पर काफी बड़ा डिबेट भी चल रहा था क्योंकि कुछ वार्ड के अंदर वोट्स काफी कम है, 4-4.5 हजार है और कुछ वार्ड में अभी भी ज्यादा वोट्स है। और थर्ड वेव आने की जो मामला चल रहा था, ये कोर्ट में जो केसेस चल रहे थे कि भाई एक टाइम था कि दिसंबर के बाद होंगे इलेक्शंस, लेकिन एक ऐसी बात चल रही थी कि इलेक्शंस पहले भी होने वाले हैं, तो वही हुआ, इलेक्शंस पहले आ चुके हैं। वेव बढ़ने से पहले सरकार हाईकोर्ट चाह रहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए और लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटीज जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन से होनी चाहिए, जो कैंडिडेट जब बॉडी बनती है जो एम्यूनिटीज मिलते हैं लोगों को, जो काम ही चलते हैं, वो फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो हमारी तरफ से सभी कैंडिडेट, सभी पार्टी के लोगों को अदमन गुजारिश है कि आप वोट फॉर जस्टिस, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर चेंज आप करें और आने वाले वक्त के अंदर देखते हैं कि कौन से कैंडिडेट उभर के आते हैं और जनता किसे जिताएगी और लोगों का इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। बने रहिए गोहा.in के साथ फॉर फास्ट, एक्यूरेट एंड रिलायबल न्यूज। थैंक यू।